भारत और अफ्रीका के बीच संबंध साझा मूल्यों और सिद्धांतों में निहित हैं, जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों में घनिष्ठ सहयोग में परिलक्षित होते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप भारत के लिए महत्वपूर्ण है और इसे इसका उचित महत्व देना समझदारी होगी, क्योंकि दुनिया की 10 सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से 6 अफ्रीका में स्थित हैं। द्विपक्षीय साझेदारी को गहरा करने और भारत अफ्रीका जुड़ाव को उन्नत करने के लिए कई पहलें की जा रही हैं। युगांडा की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अफ्रीका सर्वोच्च प्राथमिकता पर है और अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर निर्देशित हैं। भारत की अफ्रीका नीति मुख्य रूप से इसके साझा ऐतिहासिक संबंधों और सद्भावना द्वारा निर्देशित है और हाल के दिनों में सरकार अपनी अफ्रीका की नीति को फिर से शुरू करने पर जोर दे रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 3 दिवसीय केन्या यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कोविड-19 महामारी के बीच किसी अफ्रीकी देश। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। चल रही महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारतीय नौसेना के लिए दूसरे युद्धपोत की कील शुक्रवार 18 जून 2021 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में रखी गई थी। यह एक प्रमुख आयात विकल्प परियोजना है। यह परियोजना रूस के साथ अंतर सरकारी समझौते IGA के तहत निष्पादित की जा रही है, जो भारतीय नौसेना के लिए 2 उन्नत मिसाइल फ्रिगेट के लिए है और स्वदेशी जहाज निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा है। 2019 में इन 2 युद्धपोतों के निर्माण का अनुबंध GSL और रक्षा मंत्रालय MOT के बीच किया गया था। पहल के तहत निर्मित होने के लिए बड़ी संख्या में प्रमुख उपकरणों को स्वदेशी समकक्षों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की उम्मीद है। निर्माण सामग्री स्वदेशी होगी। भारतीय नौसेना के अनुसार जहाजों के पूरे पतवार भी स्वदेशी स्टील से बनाए जा रहे हैं। साथ ही सेंसर और संचार स्वदेशी होंगे, साथ ही वायरिंग और विशेष केबल भी। कील बिछाने का क्या महत्व है? यह एक प्रमुख मील का पत्थर गतिविधि है और जहाज की निर्माण प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। इस साल की शुरुआत में 29 जनवरी 2021 को पहले उन्नत मिसाइल फ्रिगेट की कील रखी गई थी और इस जहाज को 2026 में भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा और 6 महीने बाद दूसरा जहाज सौंप दिया जाएगा। भारत में वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने कहा कि GSL में बनने वाले जहाजों में डिजाइन में कई बदलाव। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अपनी सरकार को बिलेन प्रशासन के साथ बातचीत और टकराव दोनों के लिए तैयार रहने का आदेश दिया, लेकिन टकराव के लिए और अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य लोगों द्वारा उत्तर से अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने और वार्ता पर लौटने के कुछ दिनों बाद शुक्रवार को राज्य मीडिया ने रिपोर्ट की। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि किम के बयान से संकेत मिलता है कि वह अपने परमाणु शस्त्रागार को मजबूत करने के लिए दबाव डालेंगे और वाशिंगटन पर दबाव बढ़ाएंगे कि वह उत्तर कोरिया की शत्रुतापूर्ण अमेरिकी नीति को छोड़ दे, हालांकि वह बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए भी तैयारी करेगा। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा कि गुरुवार को चल रही सत्तारूढ़ पार्टी की बैठक के दौरान किम ने राष्ट्रपति जो बिडेन के तहत अमेरिका की नीतिगत प्रवृत्तियों का विस्तार से विश्लेषण किया और वाशिंगटन के साथ संबंधों में उठाए जाने वाले अनिर्दिष्ट कदमों को स्पष्ट किया। किम ने संवाद और टकराव दोनों के लिए